हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में। इसको देखो मंथली वीकली डेली इसलिए समझेंगे क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इसमें पहले गिरावट आई थी और अभी कहाँ से बेस बना के वापस से निकलने की कोशिश करा अपसाइड की तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका प्राइस एक्शन समझते सबसे पहले हम यहाँ पे, तो इसमें एक रेंज थी यहाँ पे। ठीक है, इसका 2015 के आसपास का आईपीओ आया हुआ सेप्टेम्बर 15 में यहाँ पे जो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये कि काफी टाइम तक इसने यहाँ पे 15 से लेकर 18 था, तीन साल तकरीबन यहाँ पे इसने इसी रेंज में यहाँ पे निकाला। डाउन साइड में अच्छा सपोर्ट देखता है यहाँ पे 18 में। यहाँ पे इसमें गिरावट आई और गिरावट भी अच्छी खासी आई। मतलब ये देखो शेयर यहाँ पे 150 रुपए से गिरते गिरते मतलब ये 17 रुपए पे आ चुका था यहाँ पे 2020 में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते तो उसमें यहाँ पे एक अच्छा धीरे धीरे यहाँ पे बेस बनाता बनाता आप देखो इसको ये ऊपर की तरफ निकल रहा है शेयर यहाँ पे मोमेंटम। ठीक है, कोई शेयर अगर गिरावट आ भी जाती है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा मतलब इस तरीके से पड़ा ही रहेगा नीचे वहाँ पे, या तो वो एक धीरे धीरे बेस बनाएगा फिर या तो नीचे ब्रेक करेगा या फिर बेस बना के ऊपर निकलता है अगर वहाँ पे शेयर, तो हमें ये फोकस रखना है कि बेस बनाने के बाद फिर किधर निकल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेयर का क्या मोमेंटम चल रहा है ना कि ये शेयर बेस बनाने के बाद एक अपसाइड में मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। इसको सबसे पहले मार्क करते हैं इस लेवल को यहाँ पे। ठीक है, जो एक रिजेक्शन का लेवल हमारे लिए बन चुका है यहाँ पे क्योंकि प्राइस अभी इसके नीचे है। जब तक ये प्राइस इसके नीचे है ये रिजेक्शन की तरह काम करेगा और जैसे प्राइस इसके ऊपर जाके सेटल हो जाएगी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये तो वो मंथली के हिसाब से देखते हैं। प्राइस वीकली पे अगर हम देखें यहाँ पे तो वीकली पर भी क्या कंडीशन दिख रही है ना, एक बार यहाँ पे देखो। पहले एक लेवल था यहाँ पे ये वाला 122-123 का लेवल था यहाँ पे जिस जगह इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये कैसे ब्रेकआउट हुआ, ये चला फिर यहाँ पे रेंज बनाई इसने फिर चला फिर इसने एक यहाँ पे ये सपोर्ट बना यहाँ पे इस जगह का। तो ये जो हाई लगा था वो वहाँ पे हमारा रेंज बन चुका था हाई का। उसके बाद इसने यहाँ पे ये इस जगह पे रेंज बनाई, उसके बाद इसने इस रेंज को ब्रेक करा था यहाँ पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट होना था हमारा यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, तो अभी क्या होना इसमें यहाँ पे इस वीक में यहाँ पे इसने प्रीवियस वीक में इस जगह को टच करा, मतलब जो ऊपर निकला उसके बाद वापस से रिटेस्ट करने आया यहाँ पे ये इस जगह पर। इस वीक में क्या करा ना, मंडे को यहाँ पे इसने कोई अटेम्प्ट जो करा है इस लेवल को सस्टेन करा यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं करा और यहाँ से इसने एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी अपसाइड की तरफ यहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है 122-123 के तब तक ऊपर तक यहाँ पे ये है, तब तक अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव बन चुका है यहाँ पे। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर इमीडिएट बेसिस पे इसमें ये 109 रुपये तक आ सकता है, उसके बाद तो फिर ये 87-88 रुपये तक आने की वापस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना कि 122 का लेवल ब्रेक हुआ तो 109 रुपये तक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सीधा 88-89 रुपये तक आने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा यहाँ पे वीकली पे एक बार लेवल्स का यहाँ पे इस जगह पर। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे भी अगर अभी आप इसमें देखोगे चार्ट का, तो यहाँ पे 122 पे अच्छा सपोर्ट लिया, फ्लो में गिर रहा था यहाँ पे ये देखो। ठीक है, पहले भी एक बार गिरा था लेकिन उसमें बेस बना गया, इस बार गिरा तो यहाँ पे फ्लो में गिरा, तो 122 के यहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट लिया। तो हमें वैसे भी ये ध्यान रखना है यहाँ पे अपसाइड में, एक तो अगर ये लेवल आज का हाई ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड में एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो मेन रिजेक्शन आता है वो है 149 का, उसके बाद आएगा यहाँ पे ये 163 का। यहाँ पे 149 का तो वो बड़ा लेवल का रिजेक्शन है जो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आएगा यहाँ पे 163 का जो रिसेंटली अभी इसने यहाँ पे एक हाई लगाया था अपने यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये लेवल्स यहाँ रखने यहाँ पे सपोर्ट की साइड में। मेन जो लेवल्स है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप स्विंग ट्रेड यहाँ पे देख रहे हैं तो ये लेवल्स को यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका 122 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पे तो फिर ये दिक्कत कर सकता है। आज देखो थोड़ी वॉल्यूम आई है, मतलब पहले के कंपेयर में वॉल्यूम भी जनरेट हुई है अपसाइड कर सकते हैं, और 122 का लेवल ब्रेक हुआ तो ये सारे लेवल्स फिर यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान रखना है यहाँ पे, और इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको टेक्निकल बेसिस पर लगा यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करा यहाँ पे, वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।